तो दोस्तों, फिर से आज हमने अपने बाघ को अंडे देने वाले हैं। ये देखिए, मैं अंडे का छिलका ये मैं उतार दिया हूँ, और छिलका उतारने के बाद दोस्तों ये आप देखेंगे कि इस तरह के कुछ एक लेयर आएगा, उसको भी आप निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम इसको अंडे को इस तरह से मॉश कर देंगे। ठीक है, पूरा ही मतलब कि मिक्स कर देंगे अंडे के छिलके के साथ। दोस्तों सर्दियां आ गए हैं, तो इसलिए बाढ़ भी सारे के सारे बॉक्स पकड़ चुके हैं। आपके भी बार्ड्स लोग हंडिया वगैरह पकड़ चुके होंगे, इसके बाद से ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए हमको एग फूड देने बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों आज एग फूड के साथ एक चीज़ मिलाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, वो चीज़ दोस्तों अंडे में जो इनफर्टिलिटी रहता है, अंडों में जो बार्ड्स के अंडों में जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहता है वो नहीं आएंगे, अंडे फर्टाइल होंगे, सारे के सारे अंडे फर्टाइल होंगे, और आपके बार्ड्स के जितने भी अंडे होंगे वो सारे में बच्चे भी निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पूरा ही मिक्स कर लिया अंडे और जो छिलका है, तो सारे को हमने मॉक कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों हमने इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देखिए, ये है एवियन 400। ठीक है, ये एक ग्रीन कलर का आता है, और ये है दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपको मिलाना है अपने बार्ड्स के सॉफ्ट फूड में, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसको अंडों के साथ मिलाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। दोस्तों चलिए, इसको हमने निकाल दिया है कैप्सूल को, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें छेद करके हम अंडों पे मिलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से छेद कर लिया, और इसको हमने अंडों में डाल देते हैं। पूरा ही इसको, और फिर से इस सबको हमने मिक्स कर देना है। देखिए, ये हमने मिक्स कर दिया। और दोस्तों ये आपको सुबह सुबह देना है, जब बाघ को खाना देने आप जा रहे हैं, उनको सीड वगैरह हटा दें और ये सॉफ्ट फूड उनके सामने रख दें, तो ये लोग बहुत शौक से खाएंगे बार्ड्स लोग। ठीक है, चलिए अभी हम देते हैं बार्ड्स को। ये हमारा सॉफ्ट फूड जो है दोस्तों ये पूरा ही रेडी हो चुका है, और इसको हम एक एक बार्ड को, एक एक पेयर को हमने देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बजी स्विंचेस और आपके जो भी आपने बार्ड्स ब्रीडिंग पे रखा हुआ है उन सारे को आप दे सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एक पाइनएप्पल कोन्यूर का पेयर है, जिसको हम अंडे अभी देने वाले हैं। ये हो गया, इतना ही देना है दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो भी वो नष्ट करेंगे, ख़राब करेंगे, नहीं खाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये जो हमारा कॉकटेल का जो ब्रीडिंग पेयर है इसको भी हम देंगे अभी।
क्योंकि ये भी बहुत शौक से अंडे खाते हैं। ये हो गया दोस्तों कॉकटेल के लिए। फिर दोस्तों जितने भी आपके पास ब्रीडिंग के लिए बार्ड्स डाले हुए हैं सबको आप देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक फूड मैंने बहुत बार एक फूड का वीडियो मैंने पहले भी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो जितना बार मैं देता हूँ आपको आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, सामने रख दे सबके। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे येलो साइडेड का जो पेयर था इसको भी हम देंगे अभी। और दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूँ, दोस्तों ये जो हमारा जो ब्रीडिंग पेयर है ये बॉक्स को पकड़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, बार्स नहीं है। और नीचे वाला भी दोस्तों यहाँ पे एक ही है, ये मेल है और फीमेल शायद अंदर बैठी हुई है बॉक्स में। इनको भी हम एक फूड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सर्दियां आ चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको हफ्ते में 2-3 बार आपको देना है एक फूड, क्योंकि देंगे तो आपके बार्स जो है बहुत ही हेल्दी रहेंगे। उसके साथ साथ भी अगर चीक भी है उनके पास वो भी उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से खिलाएंगे और बार्स के चीक भी बहुत ही हेल्दी रहेंगे। उनके सामने ही इस तरह से डाल दीजिए। इनको भी हम देंगे अभी। और आपके अगर बच्चे निकले हैं बाहर घूम रहे हैं सेल्फ फीडिंग हो गए हैं तो भी आप बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत ही अच्छी तरह से खाते हैं और खाने के बाद वो बहुत ही हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा प्रोटीन चाहिए होता है। और एग जो है एग फूड बहुत ही अच्छा सोर्स प्रोटीन का सोर्स है। और यहाँ पर हमारा जो नया जो पेयर लगा हुआ था शायद ये भी बॉक्स को पकड़ चुके हैं। ये है मेल, फीमेल शायद अंदर है, ठीक है। इनको भी हम देंगे एक फूड। तो सबको हमने एक फूड देंगे, क्योंकि एक फूड मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए ये आगे, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये खा रहे हैं एक को। देखिए ठीक है। तो दोस्तों एक फूड दीजिए आपके बार्स को और आपके बार्स में जो ब्रीडिंग वाला प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि वो मतलब कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस तरह से वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा और चैनल पे लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझको बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से इंफॉर्मेटिव और न्यू वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए हर दिन एक एक वीडियो में लाने के लिए ट्राई करता हूँ और लाता भी हूँ। तो चैनल पे अब आगे की तरह इतना ज़्यादा गैप भी नहीं है, तो चैनल पे हमेशा बने रहिए दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं किए हुए हैं तो उसमें भी आप फॉलो कर दीजिए। आपके जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, जॉब की बाढ़ के रिलेटेड है या फिर बाढ़ कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।